हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 14 का 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। इसको सिद्ध करना है। क्या है क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3-tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है वो हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, वो चलिए इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, LHS यहाँ पे हल दे दीजिएगा और LHS पार्ट को हम उठा लेते हैं। तो LHS में हमें क्या है, 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ये जो है वह कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए वह ये माइनस होने के कारण ये इसको हम इसके बट्टा में लिख सकते हैं, इसको हम इसके बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कोस स्क्वायर थीटा। देखिए बुआ, ये देखिए, ये जो है हमारा 1/2 प्लस ये 3/2 है। देखिए लघुत्तम लेंगे तो 2 हुआ, 2 से भाग देंगे तो 1 प्लस ये 3 आ जाएगा। देखिए ये 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, तो वही हम लिखे हैं। हम देखिए जानते हैं कि ये जो है वह देखिए 1/2 ये कोस स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1/ कोस क्या होता है, सेक होता है। देखिए ये जो है वह 3 sec स्क्वायर थीटा और ये देखिए ये यानी कि साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है। 4 ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इतना हो गया। देखिए देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस ये 3 10 स्क्वायर थीटा और ये माइनस 10 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 3 × 4 हो जाएगा। देखिए दोनों क्या 3 कॉमन मिला, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए वो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में ये 10 स्क्वायर थीटा। देखिए वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ये 3 × 1 और माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आ गया, 3-10 स्क्वायर थीटा। देखिए यही ना हमें प्रूव करना था, 3-10 स्क्वायर थीटा यही हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे बराबर RHS और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।